अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर अध्यक्ष स्वर्ण उत्थान समिति अवधेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में सोमवार को विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से नगर निगम रानी लक्ष्मीबाई पार्क में SC/ST एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया। समिति के लोगों ने वर्ष 1990 के आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए क्रांतिकारियों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके परिजनों को मुआवजा देने का मांग किया। इस अवसर पर भारी संख्या में समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे और आरक्षण विरोधी आंदोलन में मारे गए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्वर्ण उत्थान समिति के अध्यक्ष अवधेश कुमार मिश्र ने कहा, शांति शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति अवधेश कुमार मिश्र, राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा का संयोजक हूँ और यहाँ सवर्ण उत्थान समिति का अध्यक्ष हूँ। आज राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर देश के विभिन्न स्थानों पर 24 अगस्त 24 सितंबर को 1990 के आंदोलन में मारे गए आरक्षण विरोधियों के नाम पर शहीद दिवस मनाया जाता है, श्रद्धांजलि सभा मनाई जाती है। इसी कड़ी में आज गोरखपुर में सवर्ण उत्थान समिति सहित सवर्ण सर्वब्राह्मण समन्वय समिति, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया, सवर्ण अखिल भारतीय विद्वत महासंघ, भारतीय विद्वत महासंघ, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद, ब्राह्मण स्वाभिमान मंच, सभी लोग के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर में यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। मैं इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सवर्ण समाज को एक निवेदन करना चाहता हूँ सवर्ण समाज से कि असली श्रद्धांजलि हमारी तभी होगी कि जब जातिगत आरक्षण SC/ST एक्ट की लड़ाई का संघर्ष, यह संघर्ष तब तक हम जारी रखें कि जब तक जातिगत आरक्षण खत्म ना हो जाए, आरक्षण समीक्षा आयोग बना करके रिपोर्ट आने तक आरक्षण रोक न दिया जाए, हरिजन एक्ट को खत्म न कर दिया जाए, तब तक ये हमारा आंदोलन चलाना हमारी जिम्मेदारी होती है और असली श्रद्धांजलि होती है उन शहीद युवाओं के नाम जिन्होंने शहीद आरक्षण विरोधी आंदोलन में जो शहीद हुए हैं। मैं अपने बार बार लोग कहते हैं कि यह आंदोलन कमज़ोर हो रहा है, मैं कहता हूं कि यह आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, आज पूरा समाज जाग चुका है।